वेलकम बैक। वॉइस ऑफ पंजाब प्रोग्राम में सीनियर्स को नजरअंदाज क्यों किया? गुलुकारा तरन्नुम नाज ने कल्चरल कमेटी से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया है। मेरिट की खिलाफ वर्जी की गई, हुकूमत को सीनियर्स का ख्याल रखना चाहिए। तरन्नुम नाज का वीडियो पैगाम। इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आजकल प्रोग्राम शुरू होने वाला है वॉइस ऑफ पंजाब, तो उसमें जरा ये मैं कहती हूँ कि जो भी जजेस के नाम आए हैं वो मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन मेरिट का कुछ ख्याल रखा जाए। चार जज भी हो सकते हैं, तीन की बजाय चार हो सकते हैं, ये भी रख सकते हैं आप। और सीनियर जूनियर का ख्याल रखा जाए। दूसरा ये है कि इस हुकूमत का नारा है कि हम मेरिट पे काम देंगे, तो मेरिट तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए मैं अपने इस अहदे से पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ताहिर बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, आगाह कीजिए, ये क्या मामला है? जी, वॉइस ऑफ पंजाब प्रोग्राम जो नए गुलकारों की तरवीज के लिए बनाया गया है, जिसके हर जिले में मुख्तलिफ फनकारों को शामिल किया जाएगा और उसमें फिर उसके बाद लाहौर में उसका फाइनल होगा। उसके लिए तरन्नुम नाज को पहले बुलाया जाता था, उन्होंने तकरीबन 7 मीटिंग अटेंड किए हैं, लेकिन जब फाइनल हुआ है तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं, जिसका रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कमेटी से इस्तीफा दे दिया। और उनका कहना था कि ये सीनियर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इन्हें चाहिए था अगर तीन अगर बनाए तो उसमें चार भी हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर।